नमस्कार दोस्तों, लेडीज सत के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों का एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर आप लोगों के मन में उठता ही होगा, नहीं उठा होगा तो मैं उठवा देता हूं। हम लोग ये हमेशा सुने हैं ना कि जीरो की खोज, जीरो का इन्वेंशन कलयुग में ही आर्यभट्ट ने किया था। कुछ सारे लोग बोलते हैं कि ब्रह्मगुप्त ने किया था, जो कि कलयुग में ही थे। और अगर जीरो की खोज कलयुग में ही हुई थी तो कैसे उतने पुराने समय में, यानी रावण के समय में, रावण के 10 सर है ये लोगों को पता चला था? कैसे ये पता चला था कि कौरव 100 भाई है? और कैसे पता चला था कि सहस्त्र अर्जुन के 1000 हाथ है? जीरो की तो रचना ही नहीं हुई थी ना उस टाइम पे। जीरो की रचना तो अभी अभी हुई है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, मन में आया ना सवाल? दोस्तों, आज मैं आप लोगों का ये सवाल क्लियर जरूर करता हूं। दरअसल दोस्तों, ये जो नंबर सिस्टम है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इस दुनिया में हम लोगों की सिविलाइजेशन से पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। और अब आप लोग बोलेंगे जानकारी नहीं थी तो जो मैंने पहले आप लोगों के सामने एक सेंटेंस रखा कि रावण के 10 सर थे, कौरव 100 भाई थे, ये लोगों को कैसे पता चला था, मैं क्लियर करता हूं। दरअसल दोस्तों, हमारी ये जो इतनी सारी भाषाएं इंडिया में चलती है, उससे भी पहले एक बहुत ही फेमस लिपि इस दुनिया में चलती थी, जिसका नाम था ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि की मदद से ही संस्कृत के बड़े बड़े श्लोकों को लिखा गया था। अब ब्राह्मी लिपि में ही एक नंबर सिस्टम था, जो आप लोगों को स्क्रीन पर अभी साफ साफ दिखाई दे रहा है। 1 को कुछ ऐसे लिखा जाता था, 2, 3, 4, बाकी के आगे के डिजिट्स आप देख सकते हैं। इसमें आपको 10 के बाद सीधे 20 दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों को 11 लिखना होता था तो आपको 10 का सिंबल बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद 1 का सिंबल बनाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप 11 लिख सकते थे। 12 के लिए भी सेम आपको करना था, 10 और फिर 2, 13 के लिए 10 और फिर 3, 21 के लिए 20 और फिर 1। ऐसे करके वहां पर जो नंबर्स थे वो पूरी तरह से तैयार होते थे। जीरो की जानकारी उस जमाने में इतनी लोगों को नहीं थी, एक्चुअली इतनी क्या, बिल्कुल ही नहीं थी। उसके काफी समय बाद एक और लिपि इस दुनिया में आई, जिसका नाम था शरद लिपि। शरद लिपि का जो नंबर सिस्टम है, आप साफ साफ अभी देख सकते हैं। इस नंबर सिस्टम में आपको क्लियरली जीरो दिखाई दे रहा है। उस जमाने में जीरो को एक सिंगल डॉट बनाकर लिखा जाता था। क्यों लिखा जाता था? क्योंकि जीरो है वो शून्य है, वही एक बिंदु है, इस वजह से उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता था। शरद लिपि में पूरी तरह से नंबर सिस्टम को बदल गया था, हालांकि उसका मीनिंग वही था। इसी तरह से देवनागरी, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं संस्कृत में, जिसका उपयोग किया जाता था, जो हमारी सबसे पुरानी भाषा है, उसमें भी नंबर सिस्टम कुछ इसी प्रकार था। उसमें भी जीरो को डॉट से ही रिप्रेजेंट किया जाता था। दरअसल ये जो शरद लिपि है, ये 3री शताब्दी में इस दुनिया में आई थी, और इसी वजह से उस समय जीरो का उपयोग किया गया था, क्योंकि तब तक जीरो का इन्वेंशन इस दुनिया में हो चुका था। आर्यभट्ट ने दरअसल जीरो का इन्वेंशन नहीं किया है, बल्कि जीरो के महत्व को समझा और हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। आर्यभट्ट को यह पता था कि इस दुनिया में 10 एग्जिस्ट करता है, तो आर्यभट्ट ने यह समझे कि 10 शायद वही चीज है जहां पर 10th प्लेस में, यानी जो दहाई वाला प्लेस होता है, इकाई दहाई जैसा हम बोलते हैं, वंस टेंस जैसा हम बोलते हैं, वहां पर 1 होगा और वंस की डिजिट में, यानी इकाई की जगह 0 होगा, और ऐसे ही 10 बना होगा। तब उन्हें समझ में आया कि इस दुनिया में 0 नाम की भी कुछ चीज है, और उसी चीज को दुनिया में उन्होंने सबके सामने लेकर आए। इसके थोड़े समय बाद आए ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का भी एक बहुत बड़ा हाथ है जीरो के इन्वेंशन के लिए। इन्होंने भी थोड़ी सी थ्योरी को एक्सप्लेन किया दुनिया के सामने और रखा। और दोस्तों, इसके बाद 8वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े संत और आचार्य इस दुनिया में आए, जिनका नाम था श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ने इस दुनिया को जीरो का महत्व समझाया, कंप्लीटली जीरो की थ्योरी समझाई। उन्होंने इस दुनिया को यह बताया कि जीरो को अगर आप किसी भी वैल्यू के साथ प्लस करेंगे तो उस वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये बताया कि उस वैल्यू को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करेंगे, तो उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ऐसे करके जीरो का महत्व इस दुनिया को पता चला और फिर हमारे सिस्टम में प्रॉपरली जीरो इंट्रोड्यूस हुआ। ये 8वीं शताब्दी में ही लोगों के दिमाग में क्लियर हुआ था कि आखिर जीरो का महत्व और जीरो की थ्योरी क्या है। दोस्तों, आज भी जीरो का इतना बड़ा महत्व हमारी दुनिया में हो गया है कि लोग जब एक दूसरे को मिसालें दे रहे होते हैं तो कहते हैं कि मैं तो जीरो हूं, किसी के भी साथ खड़े होऊंगा तो उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ा दूंगा।
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जीरो को सबसे पहले बक्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में ऐड किया गया था और उसके बाद धीरे धीरे करके जीरो को हर एक लिपि में इंट्रोड्यूस कराया गया और आज जीरो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत के कारण ही जाना जाता है। ये सच है क्योंकि इस दुनिया में जो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी, जो बहुत पुराने सबूत है, वो हमारे भारत के इतिहास से, भारत के वेद पुराणों से ही जुड़े हुए हैं। अगर आर्यभट्ट और ब्रह्मदत्त ने जीरो का इन्वेंशन नहीं किया था तो भी हमें गर्व जरूर करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं से जीरो का इन्वेंशन हमारे इतिहास, भारत के वेद पुराणों की वजह से ही हुआ है और इस दुनिया को एक बहुत बड़ी चीज मिली है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की वजह से। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों को पता चले कि हमारे भारत के इतिहास का, हमारे वेद पुराणों के इतिहास का क्या महत्व है इस दुनिया में और हमारे वेद पुराणों ने इस दुनिया को क्या दिया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियोस मैं रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कल फिर से मिलेंगे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी या फिर जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।